Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to the blog. So guys, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि हम एक्चुअल में पाकिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं एंड उनका कल्चर कैसा है, कैसे वो दिन भर रहते हैं, ये जानने में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी है, मोस्ट पावरफुल किड्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस. एंड मेरी इंटेंशन कोई ये नहीं है कि वो उनके पॉलिटिशियंस कैसे हैं, उनका कंडक्ट कैसा है. मैं बस देखना ही चाहती हूँ कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है एंड कैसे वो पावरफुल हैं, इसलिए मैं स्टूडियो पर रिएक्ट कर रही हूँ. तो मैंने चैनल्स एंड टू फॉलोअर्स, लेट्स गो. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक सियासतदान ऐसा है जिसके बेटे के पास दुबई के अंदर 52 विले मौजूद हैं? और क्या आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बेटा अपने बाप से भी ज्यादा अमीर है? और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन के बेटे के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि उस पर एक नया मुल्क बनाया जा सकता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के रिच किड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन. दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब न्यूज आर्टिकल्स और पाकिस्तान मीडिया हाउसेस की पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पर बेस्ड है. सो इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना, बल्कि अपनी गुर्बत और इन माँ के लाडलों की अमीरी को देख कर चिल करें. थैंक्स. इसहाक डार सन्स. दोस्तों, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इसहाक डार को जानते होंगे. ये इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर हैं. इनके दो बेटे हैं जिनके नाम अली और हसनैन डार हैं. ऑफ कोर्स, अगर डैडी फाइनेंस मिनिस्टर हो तो बेटों को फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ऊपर से इनके बेटे अली डार नवाज शरीफ के दामाद भी हैं. खैर, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पावर तो इन दोनों भाइयों के पास है ही, लेकिन असल कहानी दौलत की है. ये दोनों भाई HDS ग्रुप कंपनी के मालिक हैं जो कि दुबई में बेस्ड है. आपको जानकर हैरानी होगी कि HDS कंपनी के पास $9 बिलियन के एसेट्स मौजूद हैं और अली डार इस वक्त इस कंपनी के CEO हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसहाक डार के बेटों के पास दुबई में कितने असासे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुमेरा लेक के करीब इनकी 39 मंजिला बिल्डिंग है जिसका नाम HDS टावर है. इसके अलावा इनकी दो बिल्डिंग्स दुबई के इंटरनेशनल सिटी में भी मौजूद हैं. मोरओवर, शेख जैद रोड पर भी इनकी एक सनस्टार नामी अपार्टमेंट बिल्डिंग है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये बिजनेस टाइकून दुबई का सबसे बड़ा रेंट कार बिजनेस रन करते हैं जिसमें लैम्बोर्गिनी, फरारी और दुनिया की हर लग्जरी कार अवेलेबल है. जस्ट इमेजिन कि इतनी दौलत के साथ इनका अपना लाइफस्टाइल कैसा हो. आपको बताना चलूं कि इनके पापा इसहाक डार पर $14 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और दर्जनों मनी रिलेटेड केसेस किए गए थे, लेकिन कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका. असद महमूद. दोस्तों, आप सब पाकिस्तान के सदाबहार लीडर मौलाना फजलुर रहमान को तो जानते होंगे. असद महमूद मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं. इनके वालिद साहब तो पावरफुल और अमीर हैं ही, लेकिन असद खुद भी एक पॉलिटिशियन हैं. ये इस वक्त पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये मौजूदा जमात उलमाए इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं. ऑफिशियली तो असद भाई की इनकम टीचिंग के जरिए डिक्लेयर की गई है, जो कि पॉलिटिक पीके के मुताबिक 276,000 रुपए बनती है. लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असद महमूद ने रिसेंटली फॉरेन का एक विजिट किया था जिसमें 84 मिलियन से ज्यादा का खर्च आया था. एनीवे, अगर इनकी एसेट्स की बात की जाए तो ये अपने पापा की जायदाद के वारस हैं. नैब के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान एक बिलीनियर हैं और इनके पास कई शुगर मिल्स हैं. और अगर आप इनकी जमीनों के बारे में सुनेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे. नैब की तहकीक के मुताबिक मौलाना के पास पूरे पाकिस्तान में 20,000 किनाल से भी ज्यादा जमीन मौजूद है और इनके एक गाँव का घर ही 100 किनाल जमीन पर बना हुआ है. वेल, इसके अलावा असद और इनके डैड लग्जरी गाड़ियों में ट्रेवल भी करते हैं. प्लस इनकी लाइफ इतनी लेविश है कि देखकर कोई भी दंग रह जाएगा. खैर, असद महमूद न सिर्फ अपने वालिद के अरबों रुपए की जायदाद के वारस हैं, बल्कि ये पॉलिटिक्स में भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं. बहरहाल, जो भी हो, अगर पैसा और पावर दोनों ही अरूज पर हो तो बंदा ऑटोमेटिकली चिल हो जाता है. बिलावल भुट्टो. दोस्तों, आसिफ अली जरदारी की औलाद बिलावल भुट्टो को तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है. वेल, अब जिस बच्चे के अम्मी अब्बू, नाना नानी और दादा सारे के सारे ही सियासतदान हो, उससे आप सब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिलावल को तो दौलत और पावर दोनों ही घुट्टी में मिल गए थे. एनीवे, बिलावल इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इसके अलावा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं. वेल, अगर बिलावल भाई की वेल्थ की बात की जाए तो वो हम सब की सोच से ऑलमोस्ट
200 गुना ज्यादा है। ऑफिशियली तो इनके डिक्लेयर्ड एसेट्स की वैल्यू 1.5 बिलियन है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि लाहौर बहरिया टाउन में मौजूद 200 किनाल का सिर्फ इनका एक बिलावल हाउस ही 5 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये घर बुलेट और बॉम्ब प्रूफ है। इसके अलावा बिलावल के पास 24 प्रॉपर्टीज है, जिनमें दुबई के 2 मैंशन, कमर्शियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज शामिल है। मोरवर इन्होंने दुबई के अंदर 22 जगहों पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इवन यूके में भी इनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बिलावल की सिर्फ सिक्योरिटी का खर्चा ही 37 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये सब तो इनकी ऑफिशियल वेल्थ थी, लेकिन अनऑफिशियली 2018 में बिलावल पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने 35 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। वेल, इस बंदे के पास एक्चुअल में कितनी दौलत है आप और मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमजा शहबाज, दोस्तों हमजा शहबाज पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बेटे हैं। ये बंदा सिर्फ पीएम का बेटा ही नहीं, बल्कि खुद भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह चुका है। वेल, आजकल तो हवलदार के बच्चे भी काबू नहीं आते, हमजा के अब्बू तो फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। एनीवे, डिस्पाइट बीइंग पावरफुल, ये बंदा एक्सट्रीमली रिच भी है। इवन डेली टाइम और डॉन के मुताबिक हमजा अपने डैडी शहबाज शरीफ से भी ज्यादा अमीर है। वैसे तो इनके डिक्लेयर्ड वेल्थ 411 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन 2019 की नैब रिपोर्ट के मुताबिक जब नून लीग की हुकूमत थी तो हमजा के एसेट्स में अचानक 2000% का इजाफा हो गया था। डेली टाइम्स के मुताबिक हमजा की लाहौर में 12 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 670 किनाल जगह है। इसके अलावा इस बंदे की 21 शुगर और टेक्सटाइल मिल्स में पार्टनरशिप भी है। ये सब वो एसेट्स हैं जो हमजा ने हुकूमत पाकिस्तान को डिक्लेयर किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमजा और इनके पापा शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस किया गया, जिसके मुताबिक इन्होंने 16 बिलियन से ज्यादा पैसा मुल्क से बाहर भेजा है। मोरओवर हमजा की सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि लंदन में भी प्रॉपर्टी है और इन फ्लैट्स की वैल्यू 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा है। हमजा सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि इनकी 2 बीवियां भी शदीद अमीर हैं। इनकी वाइफ नुसरत के पास जो घर हैं, इनकी कीमत ही 370 मिलियन से ज्यादा है। वेल, इस बंदे की तो सच में मौज लगी हुई है। जुनेद सफदर, दोस्तों हमारे मुल्क में अगर किसी शख्स का बाप गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो इसकी फैमिली और स्पेशली बेटे पूरे पाकिस्तान के मालिक बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी की माँ, नाना और ऑलमोस्ट पूरा खानदान ही मुल्क पर हुकूमत कर रहा हो। ऑफ कोर्स ऐसे बंदे से ज्यादा चिल और भला कौन हो सकता है। जुनेद सफदर मुस्लिम लीग नून के फाउंडर नवाज शरीफ के ग्रैंडसन और मरियम नवाज के बेटे हैं। वैसे तो फिलहाल ये बंदा पॉलिटिक्स से दूर है, लेकिन इनकी अम्मी ने पूरी लाइफ इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुनेद ने पूरी लाइफ कोई काम नहीं किया। और तो और इनके अब्बू कैप्टन सफदर भी कोई काम नहीं करते। इसके बावजूद जब जुनेद की शादी हुई तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि शादी में जुनेद ने जो शॉल पहनी हुई थी, इसकी ही प्राइस ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब है। और मरियम नवाज ने अपने बेटे को 140 मिलियन की मर्सिडीज कार भी गिफ्ट की। मजे की बात यह है कि जुनेद की फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल सीक्रेट है, लेकिन एआरवे न्यूज के मुताबिक पेंडोरा लीक्स ने जुनेद की 5 ऑफशोर कंपनीज एक्सपोज की हैं। इसके अलावा मरियम नवाज की लंदन प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में 1506 किनाल जमीन और अरबों रुपए के वारिस अकेले जुनेद भाई है। एनीवे, इस बंदे और इसकी आने वाली ऑलमोस्ट 14 नस्लों को फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉकिंग। Guys, I'm just shocked as to ये politicians के बच्चे कितने rich हैं। भी मैं इंडिया का भी देखूंगी, because I'm curious now, मैं देखना चाहती हूँ कि how are politicians so rich and कैसे देश हमारे गरीब हो रहे हैं और politicians अमीर हो रहे हैं। So that's food for thought for all of us. This is Sidhu Vlog signing off. Love you guys.